सिंह देख सकते हैं, कांग्रेस उम्मीदवार भटको, साथ में बलजीत कौशिक जी हैं, सुमित गौड़ जी हैं, डॉक्टर शर्मा हैं, अनिश पाल जी हैं, राजेश आर्य जी हैं। और भगत सिंह की जयंती पर अभी पुष्पांजलि अर्पित किया शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर, और भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, शहीद भगत सिंह की जयंती है और अभी आपने पुष्प अर्पित किया, जो है क्या कहेंगे? जो है शहीद आजम को नमन है और हम कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं उनको। आज उन्हीं के एहसान है कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जब तक हिंदुस्तान का नाम रहेगा, जब तक इस महान शहीद का और हो हजारों लाखों जो हमारे महान शहीद हैं उनके नाम को, उनके एहसान को मिटाया नहीं जा सकता। हमारे अस्तित्व की वजह यही है, हमारा जीवन इनके प्रति समर्पित होना। अभी जब आप प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे थे तो आपकी आंखें नम हो गई थी, क्या कहेंगे? देखो, इसमें कोई दोहरा शहीद है आजम को देख के आंखें नम ना हो, आंखें क्या है? देखो, हम तो अगर अस्तित्व में है हिंदुस्तान तो शहीद आजम को उसमें बहुत बड़ा। भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं और अभी यूपी के सीएम योगी जी आए थे और उन्होंने तमाम बड़ी बातें की कि हमने, हमारी सरकार ने बहुत विकास कार्य करवाया, हरियाणा का मेट्रो लाया, पता नहीं क्या क्या लाया, आप क्या कहेंगे? जो देखिए, पहले ये अमित शाह जी आए थे, वो झूठ बोल के गए, होमवर्क कंप्लीट दिया नहीं यहाँ के नेताओं। वो देश के नेता है, उन्हें पता नहीं होता यहाँ क्या हो रहा है। फरीदाबाद उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। यहाँ के नेताओं ने बना के दे दिए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाया, ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाया कांग्रेस ने, केसी चौधरी साहब जो मिनिस्टर थे, झपड़ा पहला झूठ। फिर मैंने कहा उसके बाद कि अब ये योगी जी आने वाले, मेरी आशंका सही साबित हुई। योगी जी आ रहे हैं, इनके होमवर्क फिर कमजोर होगा। इन्होंने पहले अमित शाह जी को शर्मसार कराया, अब योगी जी को शर्मसार कराई। आज योगी जी बोल के मेट्रो लाए। अरे, मेट्रो 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, बल्लभगढ़ तक आई, एक पिलर इनके टाइम में नहीं लगा। आज योगी जी भी वही काम कर गए जो अमित शाह जी कर गए। मेरी आशंका थी, मुझे मालूम है होमवर्क इनका है नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं, रिपोर्ट कार्ड दे नहीं सकते, इसी तरह की स्टेटमेंट दे। अच्छा, एक बात और ध्यान नहीं आ रहा है कि अभी आप एक रैली में कह रहे थे, जनसभा में कह रहे थे कि भटकल में कोई बवाल हो सकता है। जो मैंने ये कहा था, कोई ड्रामा हो सकता है, बवाल हो सकता है, लग रहे हैं जातिवाद। हाँ, शहर को, देहात को, जाति धर्म कॉलोनी स्लम सबको बांट रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं। शहर का जब माहौल नहीं बिगड़ा, लोगों ने तय कर लिया हम परेशान हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, रिपोर्ट कार्ड पे वोट देंगे। अब मुझे जो आशंका है, मैंने पहले भी कहा योगी, मुझे आशंका थी इनका होमवर्क पूरा नहीं होगा, अब मुझे फिर आशंका है ये लोग स्वयं ही अपने ऊपर अटैक कराएंगे, अपनी गाड़ियों में पत्थर पड़वाएंगे या अपने ऊपर अटैक करा के मॉब से, या फिर कहेंगे देखो ये हमारे ऊपर अटैक हो गया, गाँव में हो गया, कॉलोनी में हो गया, फिर बांटने की कोशिश। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इनकी बातों में नहीं आना, ये इनका ढोंग ही इनका उसमें है, मोडस ऑपरेंडी में, उसमें हमें आना नहीं है, रिपोर्ट कार्ड की बात करनी। बीजेपी, हमने, हमारे परिवार ने आज तक किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं को न अंजाम दिया, ना हम समर्थन करते हैं। हम ये कहते हैं कि सभी को वोट मांगने का अधिकार है, सभी कैंडिडेट्स का आदर होना चाहिए, उसको सुनो, वोट जिसका मन है उसको दो, लेकिन ढोंगियों से बचना। बीजेपी